أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students, today I am present with a new subject. The subject name is Town Planning and Urban Management. Basically, it is a optional subject for CSS or the 100 marks size subject hai. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो एकेडमी के हवाले से हम बात करेंगे, सेकंडली हम सब्जेक्ट के हवाले से बात करेंगे, सब्जेक्ट कोर्स कंटेंट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एंड देन विल डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, उस प्रिपरेशन के हवाले से टिप्स की हम बात करेंगे, मटेरियल के ऊपर बात करेंगे, लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि बेसिकली हार्वर्ड एकेडमी जो है ऑनलाइन एकेडमी है, एंड दैट एकेडमी प्रोवाइड CSS PMS कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कोर्स है, और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोर्स जो है ऑनलाइन है. जैसे यू नो दैट कि नाउअडेज खासकर कोरोना के बाद की सिचुएशन में इट इज़ डिफ़िकल्ट कि एकेडमी में जाए ड्यू टू सोशल डिस्टेंस की वजह से. तो सिर्फ जो मेथड है, तरीका है, दैट इज़ कि आप लोग जो है हार्वर्ड एकेडमी की वेबसाइट पे harvardacademy.com पे जाके वहाँ पे आप जो प्रोसीजर है उसको देख लें, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर रजिस्टर करें अपने आप को. एंड इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर पे 9233570622 जो है इस पे भी आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा हार्वर्ड एकेडमी जो है इसको आप इसका यूट्यूब चैनल्स भी है. यूट्यूब चैनल पे आप मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर जो है सुन सकते हैं, डिमोन्स्ट्रेशन वाइज आप को ऑल ऑफ द सब्जेक्ट जो है कंपल्सरी एज वेल एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से मटेरियल्स अवेलेबल है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी जो है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू शुड जॉइन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ द हार्वर्ड एकेडमी. और इसका जो है तरीका ये है, या तो harvardacademy.com पे जाए या इसके व्हाट्सएप नंबर पे. तो इस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे आपको ऑल ऑफ द जो लिटरेचर है, ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स है, ऑल ऑफ द सब्जेक्ट के हवाले से जो मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन. घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं और आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो. और हमारे अच्छे स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स जो है दे वो पास कर चुके हैं CSS PMS को और दीगर जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है. बिकॉज वी आर बेसिकली हम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म हैं, हम प्रोवाइड करते स्टूडेंट्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और घर बैठ के. और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को फैसिलिटेट करें एंड अदर टू. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हार्वर्ड एकेडमी के हवाले से, हमारी एकेडमी के प्रोसीजर के हवाले से मैंने बात की. अब हम आते हैं अपनी सब्जेक्ट की तरफ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट दैट इज़ द CSS ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और इसके जो है 100 मार्क्स हैं, यानी 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है. और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अगर हम कोर्स कंटेंट की बात करते हैं, जनरली अगर हम इसके हवाले से बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट का एरिया क्या है, तो टाउन और अर्बन, बेसिकली टाउन जिसको हम कस्बा कहते हैं उर्दू में, एंड अर्बन सिटी, द मैनेजमेंट ऑफ सिटीज़, द मैनेजमेंट ऑफ विलेजेस, द मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन, बेसिकली ये मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन का सब्जेक्ट है, जिसमें हाउ टू हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और पॉपुलेशन को इन टाउन्स एंड अर्बन सेंटर में किस तरीके से उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं. यू नो दैट नाउअडेज जो एक ग्रोइंग कंसर्न है अबाउट हाउसिंग के हवाले से है, अबाउट एजुकेशन के हवाले से है, अबाउट हेल्थ के हवाले से है, अबाउट सिविक फैसिलिटीज के हवाले से है, तो मेजॉरिटी पीपल जो है दे आर मूविंग टूवर्ड द टाउन एंड अर्बन सेंटर की तरफ, न्यू हाउसिंग स्कीम की तरफ, न्यू जो कॉलोनीज है, मुख्तलिफ किस्म के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं. बिकॉज चूंकि गाँव की लाइफ से लोग जो है वो आ रहे हैं टूवर्ड द सिटी. अगर हम इस थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाए, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन दौर से पहले जब एग्रीरियन इकानमी होती थी, एग्रीकल्चर बेस्ड, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर कमाते थे और वहाँ पे गांव में उनकी रिहाइश होती थी. बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए आपको ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा कष्टकारी करे, खेतों में काम करे. इसके अलावा जानवर पालने के लिए भी यू नीड पीपल्स, आपको ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो वहाँ पर उनकी इकानमी जो थी एग्रेरियन होती थी, एग्रीकल्चर रिलेटेड होती थी. लेकिन आफ्टर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो इंडस्ट्री लोगों ने सेटअप की और उन्होंने जो एग्रीकल्चर लैंड थी वहाँ पे लोगों ने इंडस्ट्रियल सेटअप की, और वहाँ पे लोगों ने लोगों को ज़रूरत पड़ गई मशीन
और लाइव जो है वो एग्रीरियर इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी आई। अब वहाँ पे साथ में क्या हो गई कि गांव में दूर दूर लोग रहते थे अपने खेतों में, और वहाँ पे अपनी फैसिलिटी के हवाले से जानवर भी पालते थे, ज़मीनों का देखभाल भी करते, बट दे वेन दे उनकी टाउन और अर्बन की तरफ आई तो टाउन और अर्बन सेंटर जो है वो बन गए। अब सेंटर में ज़रूरत थी स्कूलिंग की भी, सेंटर में ज़रूरत थी मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल एक्सपर्टी की भी, सेंटर में ज़रूरत थी बैंक्स की भी, स्कूल इसके अलावा कॉलेज की भी, या ज़रूरत थी मार्केट्स की भी, या ज़रूरत थी डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो है, तो लोग ऑक्यूपेशनलाइज हो गए। लोगों का जो इनकम जो सोर्स है जो इकोनॉमी थी वो ट्रांसफ़र हो गई एग्रेरियन से ट्रेडिशनल से टूवर्ड मोर एडवांस की तरफ आते हैं हम, मोर अर्बन की तरफ। देयरफॉर अर्बन सेंटर जो है उनकी हो गई। अब अर्बन सेंटर में चूंकि एक जगह पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की पॉपुलेशन जमा हुई, एक जगह पे बहुत सारे लोग जमा हो गए, देयरफॉर उसके लिए ज़रूरत थी सिविक फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत थी, उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत हुई, उनके लिए सोई गैस की ज़रूरत भी पड़ गई, उनके लिए और जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, तो देयरफॉर यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम भी इमर्ज हुई। तो टाउन और अर्बन के हवाले से, उनके मैनेजमेंट के हवाले से, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से सब्जेक्ट में हम बेसिकली बात करते हैं। फर्स्ट इसका जो कंटेंट है वो डिफिनीशन है, गोल्स और एम्स है, ऑब्जेक्ट है कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट किया है, इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट बेसिकली ये सोशल साइंसेस सब्जेक्ट है, और सोशल साइंसेस में इसकी मुख्तलिफ सब्जेक्ट से हम इसको रिलेट या कोरिलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेसिकली पॉलिटिक्स से भी कम कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इसके अलावा डेमोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं। सोशियोलॉजी एस्पेक्ट्स में जो है सोशली सोसाइटी के जो मेकअप है उस हवाले से भी हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इकोनॉमी वाइज इकोनॉमिक्स के साथ भी हम कोलेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट के साथ भी हम कर सकते हैं, डेवलपमेंटल जो स्टडीज़ है उसके साथ भी इसकी रिलेशनशिप है। तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट से हम इसको पढ़ते हैं टाउन को, और इसके अलावा जो है सिटीज़ को, हाउ इमर्ज द सिटी, टाउन की इमर्जिंग किस तरह हुई, फिर वहाँ पे इनके साथ साथ टाउन और सिटी के मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट ऑक्यूपेशन की ज़रूरत थी, डिफरेंट एक्सपर्ट्स की ज़रूरत थी। अगर हम ओल्ड सिटीज़ को पढ़ लें पाकिस्तान के अंदर जो सिटीज़ है, क्या है कराची है, लाहौर है, पिशावर है, रावलपिंडी है, तो ऑल ऑफ द सिटीज़ में हम देखते हैं कि जो ओल्ड बाज़ार हैं वो इसी नामों से आपको देखे आप सुनते हैं, बाजार फला, बाजार जरगरान है, और इसके अलावा आप देखते हैं बाजार फला, दिलग्रा और फला बेसिकली प्रोफेशन के हवाले से है। तो इट मींस कि जब सिटी की इमर्जिंग हुई, जब टाउन लाइफ की इमर्जिंग होती है, तो एट द स्टार्ट में ऑल ऑफ द पीपल वहाँ पे जो आते हैं वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, एंड दे हैव सम प्रोफेशन, और कुछ प्रोफेशन को वो लेके आते हैं सिटीज़ में, लोगों को सर्व करते हैं। तो जिस तरह मोहल्ला कसाब बनान है तो ऑल कसाब जो है उसी मोहल्ले में होते हैं, जरगरान मोहल्ला है तो ऑल जरगर जो है उसी में है, इसी तरीके से मोहल्ला सरबनान में, इसके अलावा ये मुख्तलिफ नाम्स है हर सिटीज़ में देखते हैं जो ओल्ड सिटीज़ है। तो इट मींस दैट के सिटीज़ में मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं जो एक प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, वो लोग आते हैं एंड अडॉप्ट टू सर्व अदर पीपल्स, तो सर्विसेज जो है लोग प्रोवाइड करते हैं। इस वक्त भी अगर हम देख लें तो नेशनल इकॉनमी में, किसी मुल्क के नेशनल इकॉनमी में मेजर जो है वो सर्विसेज सेक्टर है। पाकिस्तान में अगर हम देख लें तो हमारी इकॉनमी मेजर जो है वो डिपेंड है ऑन द सर्विसेज, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड है जिसमें हमारी इंटरनेट कंपनीज है, मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, अदर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं। तो इट मींस दैट कि सिटी में जो लाइफ है वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होती है, सिटी के अंदर लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो दे है मोर कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की इंटर प्रोफेशन है, कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता। आज के ज़माने में अगर हम बात करते हैं ना कि हम लाइफ गुजारते हैं तो हमें इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत भी पड़ेगी, और हमें कसाब की ज़रूरत भी पड़ती है, हमें सफाई करने वालों की ज़रूरत भी पड़ती है, हमें टीचर की ज़रूरत भी है, और वी नीड आईटी एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत है, बैंकर की भी ज़रूरत है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोग जब एक लोकेशन में, एक फ़िज़िकल एनवायरनमेंट में आते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं, तब उसको हम प्रोफेशन आते हैं, तो टाउन को बसाते हैं शहरों को। तो फर्स्ट जो मेन इसका टॉपिक है उसमें हम टॉक करेंगे अबाउट द टाउन मैनेजमेंट क्या है, अर्बन मैनेजमेंट क्या है, और इसके हवाले से इसका क्या ताल्लुक है मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ, तो इस पे हम बात करेंगे। द सेकंड टॉपिक इज अबाउट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बनाइजेशन का, जो एक हिस्टोरिकल
प्रस्पेक्टिव है कि किस तरीके से अर्बन पॉपुलेशन जो है उनकी हुई, हिस्टोरिकल टाउन जो है वर्ड्स में अगर हम बात कर ले, अगर हम अपने ओल्ड सिविलाइजेशंस की बात कर ले, एक तो नॉन सिविलाइजेशन है, एक वो सिविलाइजेशन है जो बहुत ओल्ड है, जिस तरीके से टेक्सला में सिविलाइजेशन है, जिस तरीके से गंदहारा सिविलाइजेशन के टेक्सला में है, तहतबाई मर्दान में है, या इसके अलावा सिंध में है, तो उन सिविलाइजेशन को हम देख ले तो हम देखते हैं कि उनकी जो सिविक सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त है, उनकी जो हाउसिंग का जो सिस्टम था, उनकी जो जिस सिटिंग से वो घर बनाते थे और जिस स्टाइल के बनाते, तो इट मींस के दे हैव सम उस वक़्त भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट होती थी। विदाउट मैनेजमेंट अगर हम आज देखते हैं ना शहरों में, कराची की मिसाल हम लेते हैं, अब रिसेंटली जब बारिश हुई तो बहुत ज़्यादा पानी, अब दैट बेसिक रीज़न इज़ दैट के वहाँ पे जब विदाउट एनी मैनेजमेंट, विदाउट एनी प्लान के अगर हम इस तरह घर बनाते हैं, सिविक सिस्टम का ख्याल नहीं रखते हैं, पानी का नहीं है, बिजली का नहीं है, ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि जब बारिश होगी तो वहाँ पे पानी के निकास का जो मसला होगा। तो देयर फॉर अर्बन मैनेजमेंट का ओल्ड सिटी को अगर हम देख ले तो दे आर मोर डेवलप है, मोर एडवांस है, द खास जो है उनकी जो वजह है ना मोर एडवांसमेंट या मोर उसकी, वो ये है कि एट द ओल्ड टाइम्स हिस्टोरिकली अगर हम बात कर ले, ओल्ड सिटीज़ के ऊपर बात कर ले, तो दे वर मोर डेवलप थे, मोर डेवलपमेंट थी, खासकर अगर इस हवाले से हम यूरोप की भी बात करते हैं, या इसके अलावा मिस्र की जो दरिया नील के किनारे की हम बात करते हैं, जो अहराम मिस्र की बात करते हैं, उनकी ओल्ड सिविलाइजेशन को हम देख ले तो हम ये नज़र लगाते हैं कि दे वर सो डेवलप, हज़ारों साल पहले वो लोग थे, बट उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो सिटी मैनेजमेंट है, जो अर्बन की उनकी प्लानिंग थी, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल डेवलप्ड थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। तो इसके अलावा अगर हम अपनी इंड सिविलाइजेशन की बात करते हैं, अगर हम इसके अलावा जो है गंदहारा सिविलाइजेशन की बात, तो ऑल सिविलाइजेशन जितनी भी हैं तो ऑल ऑफ देम जो है वो वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इस हवाले से हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे अबाउट द अर्बन मैनेजमेंट के, अर्बन प्लानिंग के हवाले से कि हाउ अर्बन सेंटर की डेवलपमेंट हो गई, हाउ अर्बन सेंटर जो है उनकी एडवांसमेंट होती है। थर्ड जो है अर्बन रूरल डिफरेंस के हवाले से हम बात करेंगे। स्टार्ट से दो चीज़ें हैं, वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फ्रॉम ग्रीक सिविलाइजेशन है उसको हम कहते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब एवरीथिंग की दो होती, हर चीज़ की एक अपोजिशन लाजमी है, यानी हर चीज़ की दो होना लाजमी है, गुड है तो बैड है, राइट है तो रॉन्ग है। तो इस हवाले से अगर हम बात करते हैं, अगर अर्बन लाइफ है तो साथ में रूरल लाइफ भी है, और इनकी अपनी एक सेटलमेंट भी है, हायरार्कियल ऑर्डर भी है, ठीक है। तो इस वजह से अर्बनाइजेशन और उनके जो इफ़ेक्ट होते हैं अर्बन एरियाज़ पे, फिर जब हम रूरल लाइफ की बात करते हैं, रूरल जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं, रूरल इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन। चूँकि रूरल और अर्बन में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, उनकी जो हायरार्की है, जो उनकी सेटलमेंट है, उसमें डिफरेंस है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें सोसाइटी के ऊपर बात कर ले, तो रूरल सोसाइटी इज़ डिफरेंट है फ्रॉम द अर्बन सोसाइटी, इनके ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट है। रूरल में जो ऑक्यूपेशन लोग करते हैं, अर्बन में उससे थोड़े और डिफरेंट ऑक्यूपेशन लोग करते हैं। फिर रूरल और अर्बन के अंदर जो ट्रेडिशन का हम देखते हैं, दे आर आल्सो चेंज है, बिकॉज अर्बन सेंटर जो है दे आर मोर एडवांस्ड है, वहाँ पे लाइफ स्टैंडर्ड मोर एडवांस है। रूरल सेंटर जो है दे आर नॉट इतनी एडवांसमेंट उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो बेसिकली जब हम अर्बन और रूरल की बात करते हैं, अर्बन और रूरल जो इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, उनकी बैकग्राउंड्स की बात करते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो दे आर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। कि लोगों के ऊपर सोशियोलॉजिकली अगर हम देख ले, सोशली देख ले, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, तो वहाँ चूँकि गाँव की एनवायरमेंट डिफरेंट है, तो वहाँ पर्सनैलिटी के डिफरेंट डेवलपमेंट होती है डिफरेंट एंगल से, और सिटीज़ के अर्बन के डिफरेंट है, तो अर्बन में जो है डिफरेंट एंगल से बंदे की डेवलपमेंट होती है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन देयर हायरार्कियल ऑर्डर, देयर सेटलमेंट, देयर लाइफ स्टैंडर्ड, देयर इकोसिस्टम, देयर इफेक्ट। फिर अगर हम इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट ऑफ अर्बन एरियाज़ की बात करते हैं, तो अर्बन एरियाज़ में यू नो दैट के अर्बन में बहुत स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिकॉज मेजॉरिटी पीपल जो है माइग्रेशन करते हैं टूवर्ड द अर्बन सेंटर इन सर्च ऑफ
गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, गुड लाइफ, बिकॉज इन रूरल में जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, लाइफ स्टैंडर्ड वाइज. देयरफॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है यहाँ पे आते हैं इन ऑर्डर टू लीड अ गुड लाइफ के लिए, एक सर्च ऑफ गुडनेस के लिए, क्योंकि हर बंदी की कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे जो है अच्छे से अच्छे जो है उसको मिले, लाइफ स्टैंडर्ड मिले. तो देयरफॉर अर्बन में क्या है कि ओवर पॉपुलेशन से, लेट्स सपोज अगर हस्पतालों के हमारे पास कैपेसिटी थी 10,000, तो अगर उस शहर में 10 लाख लोग आते हैं तो 10,000 और 10 लाख बहुत डिफरेंस है. इसलिए ये क्या हो जाएंगे, उसके ऊपर बोझ है. इस बर्डन को अगर हम देख लें, सिर्फ कराची को हम देख लें, तो स्टार्ट में कराची की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं थी. आज कराची की आबादी जो है तकरीबन अगर हम 70 times जो है इंक्रीज हो चुकी है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के वक्त उसकी जो आबादी थी और अब जो आबादी है 70 times मोर है. अब इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ फादर, और इतनी आबादी के लिए नहीं है. और जब ये आबादी के लिए नहीं है तो सिस्टम विल गो डाउन. मिसाल इस तरह है कि अगर हम एक कच्चा कमरा बनाते हैं और उसको ऊपर हम एक और छत बनाने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाला कमरा दब जाएगा. क्यों? बिकॉज क्योंकि नीचे में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि उस बोझ को प्रेशर को बर्दाश्त कर सके. तो हम जब इसकी बात करते हैं तो हमारे तमाम शहरों में, चाहे लाहौर में हो, चाहे पिशावर हो, चाहे रावलपिंडी हो, वह इंफ्रास्ट्रक्चरली जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और लेस पॉपुलेशन के लिए है, और नाउ मोर पीपल जो है आर हेयर, मोर पीपल आर जो है अस्पतालों पे है, स्कूलों पे है, कॉलेजेस पे है. जब वहाँ पे नहीं होगी तो प्राइवेट कल्चर डेवलप होगी, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल की तरफ जाएंगे. फिर वहाँ पे क्या हो जाती है, जो गरीब लोग हो गए दे विल एक्सप्लाइट. तो इसके वजह से क्या होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा लोग जो है गैसेस इस्तेमाल करेंगे, सीएनजी इस्तेमाल में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होगा बहुत ज़्यादा. जो है जब गैसेस खारिज होगी तो वहाँ पे ओजोन लेयर पे एक इफेक्ट पड़ेगी, क्लाइमेटिक ग्लोबल चेंजेस जिसको हम कहते हैं, टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगी. तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है. बहुत सारे लोग जो है गन फेंकते हैं और ये ख्याल नहीं रखते हैं कि सिटी जो है या अर्बन सेंटर में हम आए हैं, तो वी शुड कीप केयर. तो इस वजह से अर्बन के एनवायरमेंट पे सोशली भी बहुत ज़्यादा क्राइम्स लोग करते हैं, कमेट करते हैं. ट्रस्ट का जो फुकदान है वो होता है शहरों में, क्योंकि बिकॉज यू हैव नो ट्रस्ट ऑन एनी पर्सन, आप नहीं इस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द जो मेस है ट्रस्ट है. इसके अलावा जो है इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा जो है एयर पोल्यूशन है, बहुत सारी पोल्यूशन हो जाती है, तो इस वजह ये भी इस पर हैं. तो ये मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट है. फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द अर्बनाइजेशन की हिस्ट्री और उनके प्लानिंग के हवाले से पाकिस्तान में, इन द स्टार्ट पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान का स्टार्ट, पाकिस्तान की जो प्लानिंग मैनेजमेंट के हवाले से देखते हैं तो टू एरा में हम तकसीम करते हैं, कर सकते हैं. द फर्स्ट वाज स्टार्ट फ्रॉम 1997 से लेके 70 तक, और फिर 70 के पोस्ट, तो दो एरा में हम तकसीम करते हैं. तो 70 तक का एरा जो है वह बाकायदा मैनेजमेंट लिए हमारा जो स्टैंडर्ड था, हमारा जो प्लानिंग सिस्टम था, दैट वाज गुड, दैट वाज स्टैंडर्डाइज था, और दुनिया भर के लोग जो थे दे वर इम्प्रेस फ्रॉम आवर सिस्टम से, वो इम्प्रेस होते थे. तो 5 years जो है पाकिस्तान की जो प्लान था, यहाँ से वो प्लान जो है मुख्तलिफ मुल्क, मुख्तलिफ ममालिक जो थे दे अडाप्टेड, और नाउ वो कंट्रीज़ जो है, कोरिया की मिसाल हम लेते हैं, तो वो कंट्रीज़ जो है बहुत ज़्यादा आगे चले गए, और हमसे इंडिपेंडेंस बाद में गेन करके भी, क्योंकि हमारा सिस्टम यह होता था कि 5 year प्लान में प्रॉपरली हमारी हर सेक्टर के हवाले से डेटा कलेक्शन होती थी और ट्रू डेटा. आजकल डेटा कलेक्शन जो है इफेक्ट नहीं, अभी रिसेंटली आपने देखा जब कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल बनी, तो देर वॉज नो डेटा विद एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और न किसी एन जी ओ के पास जो रियली बता सके कि हाउ मेनी पीपल जो है वो इफेक्टेड है, और कितने लोगों के लिए एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत जो है उनके लिए हुकूमत उनको प्रोवाइड फैसिलिटेट करे, कितने लोग मजदूर है, डेली वेजेस है, ये कोई डेटा नहीं है. स्टिल जो है डेटा नहीं है क्योंकि बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है उनके पास रजिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, और वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, और उनको पता भी नहीं कि हाउ टू रजिस्टर. तो देयरफॉर हम जब इसकी बात करते हैं तो ये फिर रीजनल जो प्लान्स है और मास्टर प्लान्स वगैरह एट द प्रोवेंशियल लेवल पे भी जो मैनेजमेंट का सिस्टम था, दैट वाज वन ऑफ द गुड सिस्टम. क्योंकि हम अगर हम बात करते हैं 94 से 70 तक एरा में, तो पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन के हवाले से, टाउन मैनेजमेंट के हवाले से जो मनसूबाबंदी होती थी बहुत
ज़बरदस्त थी। और इसमें क्योंकि बेसिकली सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो डिपार्टमेंट है वहाँ कलेक्शन होती डेटा और डेटा बेस्ड करते थे, मैनेजमेंट करते थे, तो देयरफॉर उसमें फिर रीजनल वाइज भी डिफरेंट रीजन्स में, फिर इसके अलावा जो है डिफरेंट सिटीज़ में जो है मास्टर प्लान बनाते थे एंड अदर, और उसमें बाकायदा तौर पर उनकी कोशिश होती थी कि एकोमोडेट द पीपल को एकोमोडेट कर ले। और इसके अलावा जो हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन होती तो ऑन द बेस ऑफ डेटा। और उसके बाद जो 70 के बाद अगर हम देख ले अब तक, तो इस एरिया में कोई फैक्ट्स एक ऑथेंटिक डेटा अवेलेबल नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट के पास। न तो हमें ये पता है कि हाउ कितने लोग जो है आउट ऑफ स्कूल है, कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, कितने लोगों के लिए एहसास इमरजेंसी की ज़रूरत थी, कितने लोग जो है उसको हम फैसिलिटेट कर सकते, कितने लोग जो है एजुकेटेड है, लिटरेसी रेट है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम सर्च कर ले तो उनके पास डिफरेंट डेटा है। दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान में जब तक जब हम हाउसिंग और टाउन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो 47 से लेके 70 तक एरा था उस पर 5-year प्लान, रीजनल और मास्टर प्लान जो थे दे वर इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन के हवाले से हम बात करेंगे। फर्स्टली जिस तरह मैंने कहा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर स्टार्ट होता है, जब इंडस्ट्रियल सेटअप हो जाती है, द पीपल जो है वो रूरल एरिया से एग्रीकल्चर लैंड से उनकी माइग्रेशन होती है सेंटर की तरफ, अर्बन सेंटर की तरफ, बिकॉज इन सर्च ऑफ जॉब, क्योंकि वो लॉस कर जाते हैं जॉब को एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब इंडस्ट्रियल सेटअप है, ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है मशीन चलाने के लिए, और एसोसिएटेडली डिफरेंट ऑक्यूपेशंस जो है वो भी क्रिएशन होती है, मुख्तलिफ किस्म की कॉलोनीज बनती है, मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ ऑक्यूपेशन है, टीचर है, बैंकर है, इसके अलावा ड्राइवर है, इसके अलावा जो है टेक्नीशियन है, IT एक्सपर्ट्स है, तो डिफरेंट प्रोफेशनल लोग भी इमर्ज होते हैं। तो हाउ टू मैनेज अर्बन, तो अर्बनाइजेशन के लिए डिफरेंट किस्म की जो है हाउसिंग स्कीम बनी, डिफरेंट किस्म की सिटीज़, वन ऑफ द मोस्ट जो कॉमन एग्जांपल है इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद को आप देख लीजिए जिस तरीके से उनकी मैनेजमेंट है सेक्टर वाइज है, और फिर उसके बाद फेज़ वाइज है, फिर उसके बाद गली है, फिर उसके बाद सब घरों की तकसीम है, तो ये इसके हवाले से थी। और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि डिवाइड द पीपल को, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह पॉपुलेशन को इजीली उनको कंट्रोल भी कर ले और इजीली उनको फैसिलिटेट भी कर ले। यानी हर सेक्टर में स्कूल हो, बेसिक एक डिस्पेंसरी हो, इसके अलावा जो बेसिक ग्राउंड्स है, पार्क है, तो ऑल फैसिलिटीज़ जो है, इसके अलावा फिल्टर है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा जो है गैस है, तो ऑल बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर ले, तो ये सिटी मैनेजमेंट या अर्बन मैनेजमेंट के बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। फिर उसके बाद लैंड यूज़ जो है, टू यूज़ द लैंड को अब इस तरह उनकी क्लासिफिकेशन कर लें कि जहाँ पे आप एक अर्बन सेंटर बनाते हैं, टाउन को एस्टेब्लिश करते हैं, तो फ्रॉम डिफरेंट एंगल उसके लिए कब्रिस्तान भी हो, मस्जिद भी हो, इसके अलावा जो है इमाम बारगाह भी हो, इसके अलावा जो है उसके लिए ईदगाह की जगह भी हो, जनाजगाह, तो ये ऑल थिंग्स जो है ये नेसेसरी होती है टाउन एंड अर्बन मैनेजमेंट के हवाले से। और इसके अलावा फिर जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स डिफरेंट है, मिसाल के तौर पर वहाँ पे प्लाजे हैं, तो प्लाजे का कोर्स जो है उनका डिफरेंट रखा जाए एज़ कम्पेयर टू आम जो मार्केट्स वगैरह है। और इसके अलावा हाउसिंग का डिफरेंट हो, स्टाइल हो, तो ये तमाम चीज़ें जो है, क्योंकि इसमें 2-3 फैक्टर, एक फन इकानमी वाइज भी इसको देखते हैं अर्बन जो मैनेजमेंट होती है, सेकेंडली इको सिस्टम वाइज, यानी जिसको हम कहते हैं क्लाइमेटिक वाइज, बाज़ एरियाज़ में क्लाइमेटिक्स जो है वो डिफरेंट है। अब कराची की क्लाइमेट्स टोटली डिफरेंट है इस्लामाबाद से, लाहौर की क्लाइमेट्स डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट्स बिल्डिंग की जो है डेवलपमेंट वगैरह उनकी कंट्रोल। और इसके अलावा जो सिटीज़ में जो रोड्स वगैरह है, जो पीपल के जहाँ लोग गुजरगाहें हैं उनको फ्री ऑफ वो बना दिए, यानी जो एनक्रोचमेंट है उनको हटा दिया जाए कि लोग इजीली कैन ट्रेवल, इजीली वो मूव कर सके। और फिर उसके बाद ये है कि अर्बन मैनेजमेंट में ये लाजमी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी हो, ताकि लोग इजीली बेसिक जो स्कूल, कॉलेज, हस्पताल है या इसके अलावा अदर जो पब्लिक ऑफिस है वहाँ तक ईजीली उनकी एसेस या पहुँच हो। और इसके अलावा दो किस्म के इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक इंटर सिटी है और एक इंट्रा सिटी है, यानी बिटवीन द सिटी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इनकी रिस्पांसिबिलिटी होती है, और एक इनसाइड द सिटी, सिटी के अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ये और इसके अलावा लोगों की सहूलत की ऑल फैसिलिटीज़,
यानी जितनी फैसिलिटीज ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आईटी पार्क अब बन रही बात सिटीज़ में, और ये भी बहुत ज़रूरी है, फिल्टर्स है इसको हक आते, यानी जितनी ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं, अर्बन मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी कि उतनी ज़्यादा उसको फैसिलिटेट कर सके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हाउसिंग कम्युनिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। जिस तरह की मैंने इससे पहले बात की, बेसिकली सिटीज़ जो है, यानी ओल्ड सिटी को जितने भी हम देखें, उनकी जो गलियाँ हैं, उनकी जो मोहल्ले हैं, उनके नाम आपको किसी प्रोफेशन से रिलेटेड मिलेंगे, और उनके जो मुख्तलिफ गेट्स हैं ओल्ड सिटीज़ में, वो भी प्रोफेशन के हवाले से है, लोगों के उस स्किल के हवाले से होंगे, क्योंकि शहर में बुनियादी तौर पर वो लोग आते हैं जिनके पास कोई स्किल हो, जिनके पास किसी किस्म की नॉलेज हो, एक्सपर्टी हो, बिकॉज क्योंकि वो चाहते हैं कि क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप है अर्बन में सेंटर्स में, तो देयरफॉर वो एक्सपर्ट और टेक्निकल लोग जो है वो आते हैं, और वहाँ पे क्या होती है कि जब वो लोग आते हैं डिफरेंट अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट भी उसके साथ हो जाती है, तो इसके ये हो जाती है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है सिटीज़ में, तो देयरफॉर जो लोग इन सर्च ऑफ जॉब होते हैं वो ज़्यादातर अर्बन सेंटर की तरफ आते हैं, लर्निंग के लिए अर्बन सेंटर में है वहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइब्रेरीज है, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स लोग आपको मिलेंगे, सेमिनार वर्कशॉप्स वगैरह भी ईजीली कर सकते हैं, इसके अलावा न्यूज़पेपर जर्नल वगैरह की ईजी अवेलेबिलिटी भी होती है, इंटरनेट भी है, बाकी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर जब हम अर्बन सेंटर की बात करते हैं तो दे बेसिकली प्रिपेयर अ प्रोफेशनल एक क्लास को, यानी क्लास ऑफ प्रोफेशनल जो है उनकी प्रिपरेशन होती है, उनकी तैयारी होती है उनके सिटीज़ में। ये अब से नहीं है, ये हिस्टोरिकली अगर हम देख ले फ्रॉम सेंचुरी यही है, जो हमारे यहाँ पे इंडो पाक में मोहलिया की थी तो उस टाइम भी ये थे कि मोहल जो थे वो सिटीज़ में प्रोफेशनल लोगों को बुलाते थे और उनकी अलाटमेंट होती थी मुख्तलिफ गलियाँ वगैरह, जो अभी तक उनके उसी नामों से उनकी जान पहचान है या उसके हैं। तो बेसिकली इसमें ये जो है इस टॉपिक में हम हाउसिंग कम्युनिटी और इकॉनमी, फिर पब्लिक पॉलिसी और अर्बन डिज़ाइन मैनेजमेंट। अब इन द टाउन या अर्बन में दो प्रॉब्लम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोशल और एक एनवायरमेंटल। सोशली जब बहुत ज़्यादा एक ओवर पॉपुलेटेड हो जाए, डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग आए, तो उसकी वजह से सोशल इश्यूज़ जो है, सोशल प्रॉब्लम इमर्ज हो जाती है, क्योंकि जब क्लास जिस सोसाइटी में क्लास डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, गैप हो, तो वहाँ पे क्या होती है कि वहाँ पे हमेशा सोशल जो प्रॉब्लम्स है, सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि पॉवर्टी इज़ द मदर ऑफ ऑल ईवल्स, तमाम सोशल ईवल्स की माँ जो है वो दैट्स पॉवर्टी है, तो यह सोशल और सेकेंडली जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ये इमर्ज हो जाती है सिटी में, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की वजह से अस्पतालों पे रश है, स्कूलों पे बोझ है, बॉर्डन है, इसके अलावा जो पार्क है वहाँ बॉर्डन है, मार्केट सेंटर पे बॉर्डन है, तो इस वजह से फिर क्या होती थी कि लोग प्राइस कंट्रोल का कोई मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं होता है, इसके अलावा लोगों को रेगुलेट करने का सिस्टम नहीं है, तो ये टू इम्पॉर्टेंट जो इशूज़ है, सोशो एनवायरमेंट, सोशल और एनवायरमेंटल। अब इन हवाले से, इन दो के हवाले से बेसिकली टाउन मैनेजमेंट का मेन टास्क यही होता है कि ये जो दो है इनको बाकायदा पॉलिसीज बनाते हैं, इनको टारगेट करते हैं, और टारगेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के दे यूज़ मुख्तलिफ टेक्निक्स जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, और उन टेक्निक की मदद से ये इन लोगों को, तो इसमें हम बात करेंगे बुनियादी तौर पर अच्छा, तो इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के जो लोगों के स्किल है, उनके इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, उसके डेवलपमेंट का हवाले से इसमें बात होगी, और इसके अलावा पॉलिसी एनालिसिस भी होगी, और इसमें पॉलिटिकल वाइज भी, पॉलिटिकल जो एक्सपर्ट्स हमारे होते हैं पॉलिटिकल साइंस का, वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं, इकोनॉमिक्स वाइज भी है, और इसके अलावा अर्बन डिज़ाइन है, फिर उसके बाद सस्टेनेबिलिटी एनवायरमेंट पॉलिसी भी है कि हाउ टू सस्टेन डेबिलिटी सोसाइटी को किस तरीके इकोनॉमिकली
सस्टेनेबिलिटी हो सोसाइटी की, इस हवाले से भी पॉलिसी बनाई जाती है, एनवायरमेंटल के हवाले से भी, हाउ टू मेंटेन हेल्दी एनवायरमेंट सोसाइटी में हम इसको रख लें, हेल्दी एनवायरमेंट मुख्तलिफ फैक्टर इस पर भी हम बात करते हैं। फिर उसके बाद अलबत इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि मौजूदा न्यू आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर और स्पेशल जो है मुख्तलिफ टूल्स या सिस्टम्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट को इनके साथ यूज़ करते हैं, GIS है या SPSS वगैरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए से हम अलबत इंफॉर्मेशन जो है उस सिस्टम को बनाते हैं अलबत के इंफॉर्मेशन के हवाले से। तो ये भी एक टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे। तो इसी तरीके से अलबन इंफॉर्मेशन, अच्छा तो ये इस तरीके से